नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। देश में किसानों की आत्महत्या एक राष्ट्रीय समस्या का रूप धारण कर चुकी है। आए दिन किसी न किसी हिस्से से किसान के आत्महत्या की खबर मिल रही है। देश की प्रगति और विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद भी किसानों को जिंदगी से निराश होकर आत्महत्या के रास्ते पर चलने को मजबूर होना पड़ रहा है किसानों के लिए। लेकिन कोई ठोस कदम उठाने के बजाय राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप की सियासत में उलझ रहे हैं। 6 दिनों के अंदर झारखंड में 2 किसानों की कथित आत्महत्या को लेकर राजनीति चरम पर है। विपक्ष किसानों की हिमायती बनने की कोशिश में सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर हो रहा है। लेकिन विपक्ष ये भूल गया कि जब उनकी सरकार सत्ता में थी तो उन्होंने किसानों के लिए क्या किया। चुनाव में किसानों का मुद्दा तो रहता है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप से आगे कोई चर्चा नहीं होती। यही वजह है कि साल दर साल किसान बदहाल होते जा रहे हैं। किसानों की यही आह सियासत की राह बनी हुई है। बड़ी खबर में इसी पर बात करेंगे। पिठौरिया क्षेत्र में 2 किसानों के कथित आत्महत्या के बाद सूबे की राजनीति गर्मा गई है। लगातार नेता और विधायक का आना जाना लगा हुआ है। पिठौरिया में मृतक किसानों के परिवार से राजनीति के नुमाइंदों के मिलने का दौर जारी है। इसी क्रम में स्थानीय सांसद राम टहल चौधरी भी पिठौरिया पहुंचे और वहां कमियों को देखते हुए रांची डीसी और संबंधित अधिकारियों को मूलभूत सुविधाएं देने और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। वहीं किसान की आत्महत्या पर विपक्षियों के राजनीति करने पर भी प्रहार किया। अब कभी कभी यही सोचते हैं, आज तक हमने देखा कि और राज्यों में होता था, झारखंड में और सभी हमारे क्षेत्र में आत्महत्या की बात नहीं होती थी। मगर मेरे ख्याल से आत्महत्या वो कोई उसका विकल्प नहीं होना चाहिए। सुनिए, विपक्ष तो पॉलिटिक्स करते हैं, ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं, आदमी दुख से मरता है, ये लोग राजनीति करते हैं, हर चीज को पॉलिटिक्स में लाना है। किसान बलदेव के परिजनों ने एक बार फिर उसकी मौत की वजह फसल बर्बादी और बैंक कर्ज के बोझ को बताया। सबसे पहले तो हम लोग को मकान जरूरी है, यहाँ पे पानी का व्यवस्था जरूरी है ताकि फसल हो, और कुछ दिए थे शायद बी डी ओ साहब जो आए थे ब्लॉक से, कुछ 5,000 या कुछ पैसा दिए हैं, और उसके बाद सुबोध कांत साहब जी आए थे तो 10,000 रुपये दिए हैं। वहीं मृतक किसान के परिवार से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने सरकार पर निशाना साधा और सरकार से इस्तीफे की मांग की। मैं समझता हूं कि ऐसी घटनाओं की पूरी जिम्मेवारी सरकार की होती है, और आज जिस तरीके से इस क्षेत्र में ग्रामीणों से जो बातें आ रही है कि पूरा क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र है, पानी बिल्कुल ही नहीं है, और स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से बलदेव महतो ने आत्महत्या की है, ये आत्महत्या नहीं है, सरकार द्वारा की गई है। एक के बाद एक 2 किसानों की मौत पर राजनीति गर्म है, जिस पर सियासतदान अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। इन राजनीतिक ड्रामों के बीच अब तक मृतक किसानों के परिवारों को कोई मुआवजा नहीं मिला है, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए वही नेता आज उनके रहनुमा बने बैठे हैं जो कभी इन गरीबों के दरवाजे तक नहीं आते थे। रांची से सूरज कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। वर्तमान समय में सत्ता में काबिज बीजेपी जब भी विपक्ष की भूमिका में रही, किसानों की बदहाली को लेकर सत्ताधारी दल के कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे। लेकिन अब इतिहास दोहराया जा रहा है और कटघरे में बीजेपी सरकार है। चारों तरफ झारखंड में भी मुख्यमंत्री बोलते हुए झारखंड उड़ रहा है, अभी अच्छा समय दूर आप तो झारखंड में लोगों के पास या किसानों के पास आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा है, कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है।
लोग जब सरकार के यहाँ सरकारी मुलाजिम क्या लोग दरखास्त करते हैं तो सरकार सुनवाई करे, उसकी तकलीफ और उस दर्द को समझने की कोशिश करे तो लोगों के एक हौसला होता है चलो। लेकिन आज तो कोई सुनता नहीं है। अगर कहीं कोई अपनी हक के लिए लड़ते भी हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो फिर उसको जेल में डाल देना, लाठी गोली से बात करना, तो फिर लोगों के पास रास्ता क्या बचता है। बिहार में लालू और नीतीश के बीच मतभेद है ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर, ठेका ठेकेदारी को लेकर, उनके बच्चे के परिवार में जिस प्रकार से आमदनी का स्रोत दिखा नहीं पा रही है, भारत सरकार के कई एजेंसियों के छापे पड़ रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। और यहाँ पर वो आए बिहार में से झारखंड में कोई सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं आए, यहाँ पर राजनीति करने भी नहीं आए, यहाँ पर एक अभियुक्त बनकर आए हैं। चलिए तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा जी जुड़े हुए हैं, साथ ही बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। इन दोनों के पास चलेंगे हम, पर उससे पहले हम अपने संवाददाता सुजीत से जान लें कि फिलहाल क्या हलचल मची हुई है। किसान की चिता सज रही है और दूसरी ओर उसका परिवार चित्कार कर रहा है, पर सियासतदान बयानबाजी करने में मशगूल हैं। जी दीपक, देखिए बिल्कुल जिस तरह से खासकर जब झारखंड में दो किसानों की आत्महत्या करने के जो मामले जो सामने आए हैं, तो लेकर झारखंड में भी जो राजनीति है वो तेज हो गई है। लेकिन अगर देश में अगर किसानों की स्थिति की अगर बात किया जाए तो 1990 के दशक के बाद से ही किसानों का जो आत्महत्या करने का जो सिलसिला था उस समय से वो बढ़ा, और आज हालात ये है कि लगभग आंकड़ों की अगर बात करें तो 42% अभी 2014 के बाद किसानों का आत्महत्या करने का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया। तो सवाल ये उठता है कि आज जो विपक्ष के नेता है वो सत्ता पक्ष पर दोषारोहण कर रहे हैं, लेकिन यह है कि जब आज विपक्ष के लोग भी कभी सत्ता में हुआ करते थे तो अभी वर्तमान समय में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं तो कभी सत्ता में रहे या कभी विपक्ष में रहे, तो तब से इन्होंने जो किसानों की जो आज दुर्दशा है और किसान अपनी मजबूरियों के कारण जो आत्महत्या कर रहे हैं, तो उनकी समस्या का समाधान ढूंढने का पहले से ही बिल्कुल क्या समाधान ढूंढने की कोशिश हो रही है और वाकई क्या समस्याएं समझी भी जा रही है। गौतम सागर राणा जी क्या कहेंगे, क्या राज्य सरकार माकूल कोशिश कर रही है किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए? देखिए ऐसा है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में तो किसान दुखी हैं। यदि उनका कम फसल हुआ तो लागत मारी गई, उससे वो फंस गए कर्ज में जी। यदि अधिक फसल हो गई तो दाम कम हो गया तो उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन अभी हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात तो नहीं करेंगे जी। यदि संदर्भ झारखंड का तो ये तो झारखंड में इसकी शुरुआत है और सरकार को बिल्कुल सचेत होने का समय है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी झारखंड समिट हुआ जी। 3.3 लाख करोड़ रुपया निवेश की बात कही गई कि झारखंड में होगा। अब ये झारखंड में जो निवेश होगा वो निवेश तो आकाश में नहीं होगा, वो तो धरती पर होगा जी। और धरती पर जो निवेश होगा उसमें सरकार के तरफ से अभी तक कौन जमीन अधिग्रहित की जाएगी, कोई भूमि नीति नहीं बनाई गई है कोई भी अभी, तो इसलिए अभी सरकार के पास तो बहुत बड़ी समस्या किसानों के आने के लिए आने वाली है। जो फसल वाली जमीन है उसको भी लिया जाना है, तो जमीन ही नहीं रहेगी तो किसान कहाँ रहेगा। जमीन है तो फसल हो रहा है तो दाम नहीं, नई फसल हो रहा है तो पैसा चला गया। बिल्कुल इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं हम, फिर आते हैं गौतम जी आपके पास। दीपक प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रदेश महामंत्री हैं। दीपक जी क्या मौजूदा हालात से पार्टी सरकार भली भांति अवगत है, पहले जो स्थिति थी वो और खराब होती जा रही है? देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसानों के लिए सरकार है, किसानों के द्वारा बनाई हुई सरकार है, इसलिए किसानों के लिए संवेदनशील सरकार है। किसानों के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हुए जो किसानों के कल्याणकारी योजना बनी है वो आज तक देश के आजादी से लेकर अब तक नहीं बनी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के आजादी के बाद जो किसानों की हालत की दुर्दशा हुई है, किसानों के 70 साल कांग्रेस की सरकार यहाँ पर रही है और किसानों की हालत
वर्ष से बदतर होती गई, उनको स्थिति को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय और राज्य सरकार संकल्पित है और लगातार किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं, आज गांव में बीज मिल रहा है, खाद मिल रहा है और किसान आज खुशहाल है। लेकिन लगातार कांग्रेस के जमाने में और खासकर लालू राजद की जो सरकारें यहां पर लगातार काम की जी, उनकी शासन काल में हालत खराब थी। आज थोड़ा बिल्कुल, और आज किसान बहुत खुशहाल है ये कह रहे हैं दीपक जी आप। एक मिनट दीपक, और उसी खुशी में हंसते हंसते किसान मर जा रहे हैं। हमारे अग्रज गौतम सागर राणा जी को मैं बहुत इज्जत और प्रतिष्ठा देता हूँ, मैं उनसे केवल एक सवाल जानना चाहता हूँ कि थोड़ा बिहार झांक कर देखने का काम करें। बिहार में किसानों की हालत कितनी खराब है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं आज वहाँ धराशायी हो रही है। दीपक जी ये भी तो बता दीजिए, क्या किसान इतने खुशहाल हैं कि हंसते हंसते मर जा रहे हैं झारखंड में? नहीं नहीं, वो घटना जो घटी है उसकी जांच हो रही है। अगर किसान कर्ज के कारण अगर आत्महत्या की है तो ये शर्मसार करने वाली बात है, लेकिन इसकी जांच हो रही है। जिस प्रकार से विपक्षी और विपक्षी राजनीतिक दल तो लगातार इसको राजनीति के रोटी सेकने का काम कर रहे वो, और उसके कारण उनके चेहरे शर्मसार होंगे आने वाले समय में। जी विनोद पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेएमएम के केंद्रीय महासचिव हैं। विनोद जी, हेमंत सोरेन पहले ही संदेह जता चुके हैं सरकार के जांच पर, क्या कहेंगे? अभी दीपक जी कह रहे थे कि हम जांच कर रहे हैं और इंतजार कीजिए रिपोर्ट आने का, तभी स्थिति स्पष्ट होगी। नहीं, अब दीपक जी ऐसा है कि संदेह इसलिए जताया गया कि घटना घटने के बाद जब बॉडी पोस्टमार्टम में जाती है, पोस्टमार्टम रूम में बॉडी है, और उसके पहले ही जिला प्रशासन यह तय कर देता है कि वो आदतन शराबी था, और जो थाना इंचार्ज है, इसके पहले जो कालेश्वर महतो की मौत हुई, जो फांसी लगाकर उन्होंने आत्महत्या की, वहां पर थाना इंचार्ज का एक बयान आता है कि उनको जो मरने वाले व्यक्ति हैं उनको बीमारी थी और इसलिए वो उनकी मौत हो गई। अब ये स्थिति है तो हमने संदेह जताया तो हमने कोई गलत नहीं किया है, और सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि इन दोनों मामलों में जिस तरह से लीपापोती करने का काम हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने संदेह जताया। और मैं अभी बड़े भाई दीपक प्रकाश जी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था जी। ये 70 साल की बात करते हैं, मैं तीन साल का ही आंकड़ा आपके सामने पेश कर देता हूँ। जरूर। 2014 में 12,360 किसानों ने आत्महत्या की, 2015 में 13,225 किसानों ने आत्महत्या की, इसी तरह 2016 में 14,011 किसानों ने आत्महत्या की है, 2017 में अब तक 6,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, और ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट है। और मैं आपको बता दूं कि इन 3 सालों में किसानों के आत्महत्या का जो परसेंटेज है वो 42-45% तक बढ़ा है जी। और ये बात करते हैं हम किसानों के खेत में पानी पहुंचा रहे हैं, खाद पहुंचा रहे हैं, बीज पहुंचा रहे हैं, तो फिर ये आत्महत्या जो किसान कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ये जरा बता दें हमको दीपक जी। नहीं नहीं दीपक जी, तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि किसान इतने बुरी स्थिति में है कि वो आत्महत्या कर ले, कारण जांच के बाद सामने आएगा। बहरहाल उनसे जवाब जरूर लेंगे, लेकिन गौतम जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गौतम जी, राष्ट्रीय स्थिति जो है, लालू प्रसाद यादव काफी सक्रिय हैं पूरे परिप्रेक्ष्य में, और अब झारखंड में भी विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक हो रही है, खबर ये आई है हम तक कि आंदोलन की तैयारी हो रही है किसान के मुद्दे पर, क्या इस बारे में थोड़ी और जानकारी देंगे? किसान के मुद्दे पर आंदोलन की तैयारी तो विपक्ष करेगा ही, हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं सभी विपक्ष दलों से मिल करके। लेकिन प्रश्न यह है कि दीपक प्रकाश जी कह रहे हैं कि किसानों के लिए हम चिंतित हैं राष्ट्रीय और राज्य के पैमाने पर। मैं दीपक प्रकाश जी को यह कहना चाहूंगा कि झारखंड में जो दो किसान आत्महत्या किए हैं जी, यह तो शुरुआत है। इनकी जो नीति है इसमें सैकड़ों हजारों किसान जो है सो आत्महत्या पर उतारू हो जाएंगे, इसलिए अभी सरकार को कोई स्पष्ट नीति कृषकों के लिए बनानी ही चाहिए। क्या सलाह देंगे गौतम जी? विषयांतर न समझें, 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पर होगा, सरकार की कोई भी नीति नहीं है कृषकों के लिए कि उनकी जमीन बचाएंगे कि वो जाएगी, ये संदर्भ जो है सो किसानों का ही है। तो अभी तो वो खाद बीज पानी की व्यवस्था तो कहीं हुई नहीं है,
जितनी सिंचाई परियोजनाएं झारखंड में चल रही हैं वो भी कोई अच्छी स्थिति में नहीं है। निवेश बढ़ता जा रहा है तो सरकार का ध्यान तो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है, किसानों के लिए तो है ही नहीं। ये दीपक प्रकाश जी अपनी बात मुख्यमंत्री जी से कहें और अस्थ नीति और उनके लिए राहत ये जांच वगैरह से कोई बहुत ज्यादा फायदा निकलने को नहीं है। जी, जांच पर सियासी हमले हो रहे हैं दीपक जी, जांच इस पूरे प्रकरण को दूसरा रुख देने की कवायद है, विपक्ष का इस तरह का आरोप है सत्ता पक्ष पर। लेकिन विपक्ष बेरोजगार है, विपक्ष मुद्दा विहीन है और जनता से ठुकराए हुए लोग है। कुछ ऐसी ही स्थिति किसानों की भी है, उनके बारे में क्या कहेंगे? करने का इनको अधिकार है, लेकिन सच है कि जनता जानती है कि इनके शासनकाल में किस प्रकार से परिस्थितियां का निर्माण हुआ था, किस प्रकार से आज बिहार हालत खराब है, बिहार में आज कई घोटाले हो रहे हैं, शिक्षा घोटाले हो रहे हैं। तो इन सब चीजों को भी थोड़ा वो गंभीरता से विचार करें और जाकर बिहार, मैं बिहार अभी घूम कर आया हूँ, सच में वहाँ किसानों की हालत बद से बदतर है। लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी दोनों वहाँ पर चीजों को समझ रहे। जहाँ तक झारखंड का परिप्रेक्ष्य है, झारखंड में जो दो घटनाएं घटी है वो घटनाओं की जांच की रिपोर्ट तो आने दीजिए। आप स्वयं राजनीति करने चले हैं और विनोद पांडे जी जो बड़ा फिगर दे रहे थे, मैं थोड़ा क्राइम मैं एक ही उनसे आग्रह निवेदन करेंगे कि थोड़ा उन पन्नों को पलटने का काम कीजिए। जहां पर कांग्रेस मीट कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है, जहां पर भी अन्य जो अन्य राजनीति चल भारत ज्यादा दूर क्यों जाए, अभी झारखंड में ही रहते हैं दीपक जी। दीपक जी झारखंड में ही थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, बाद में दूसरे राज्यों का दौरा कर लिया जाएगा। क्राइम फिगर का जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसको पढ़ने का और थोड़ा प्रयास करेंगे, तब उनको मालूम होगा किस प्रकार से विपक्षी के द्वारा जो राज्य चलाई जा रही है, वहाँ सरकारें बन रही है, चलाई जा रही है। नहीं, वो राष्ट्रीय आंकड़ा बता रहे थे, उसमें बीजेपी शासित और राष्ट्रीय कांग्रेस शासित अन्य दलों के शासित एक साथ आ जा रहे थे। विनोद जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, अध्ययन कर ले जी। विनोद जी, क्या बस आरोप प्रत्यारोप या कोई सलाह भी? आरोप प्रत्यारोप नहीं है, मैंने तो एक आईना दिखाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी को और दीपक प्रकाश जी को, ये हमारे बड़े भाई हैं, तो इनको हम ये बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र की अगर हम बात कर लें तो वहाँ 38% किसानों ने आत्महत्या की है। ये आप समझ लीजिए दीपक प्रकाश जी, मैं कांग्रेस और आरजेडी और जदयू की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की ही बात कर रहा हूँ। लेकिन वो चाहते हैं कि आप दूसरे दलों के शासन वाले राज्यों की भी बात करें, लेकिन हम बात चाहते हैं कि झारखंड की ही सिर्फ बात हो। मुद्दा बहुत गंभीर है और परिस्थितियां दयनीय होती जा रही है किसानों के लिए। दीपक जी झारखंड में जो दो किसानों ने आत्महत्या की है, पहले कालेश्वर महतो ने, फिर तीन दिन बाद बालदेव महतो ने, और हमको लगता है कि ये 6-7 किलोमीटर की दूरी है। कांके प्रखंड के अंदर में पिठोरिया जो है वहां पर एक सुत्यांबे में ये हुआ और एक सिमल बेरा में हुआ। सिमल बेरा की जो घटना है उसमें पेड़ पर झूल करके किसान ने आत्महत्या कर ली। वहां के थाना प्रभारी का बयान आता है कि उनको मिर्गी का बीमारी था। अब आप ये बताइए कि जब आत्महत्या किसान ने की तो उसको बीमारी मिर्गी का था या कैंसर था, इससे थाना प्रभारी को क्या मतलब है? और दूसरा, जब आत्महत्या बालदेव महतो ने की तो बहुत जल्दीबाजी में जिले के उपायुक्त और SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और बॉडी अभी पोस्टमार्टम रूम में ही है, तब तक इन्होंने उस पर प्रतिक्रिया दे दी कि भाई ये स्थिति है कि वो आदतन शराबी था। तो ये तो जांच का विषय है, लेकिन जब हम लोग घटना स्थल पर गए और वहां जो स्थिति हम लोगों के सामने आई तो उससे एकदम स्पष्ट हो गया कि किसान ने कर्ज के दबाव में भुखमरी के कारण आत्महत्या की है। विनोद जी, आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो गई, लेकिन सरकार को ये स्थितियां नजर नहीं आ रही है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे। दीपक जी, इसलिए नजर नहीं आएगी कि आप पिछले दिनों आपने देखा होगा कि प्रिमिटिव ट्राइब्स के लोग हजारीबाग में भूख से मर गए, लेकिन सरकार ने उस पर यह रिपोर्ट दिया कि भूख से नहीं, वो बीमारी से मरे। गढ़वा में 3 बच्चे प्रिमिटिव ट्राइब्स के, वो वहां भूख से मर गए, माने उनके पास खाने का अनाज नहीं था, लेकिन वहां के वीडियो ने कहा कि ये बीमारी से बच्चे मर गए। ये स्थिति है इस सरकार की। विनोद जी, हमारे देश में भूख से कोई नहीं मरता है। विनोद जी क्या बोलेंगे? विनोद जी नोट कर लीजिए ये बिंदु, हमारे देश में भूख से कभी कोई नहीं मरता है, अगर मरता भी है तो सरकारी किताब में वो दर्ज नहीं होता। ये शुरू से देखते आए हैं, आप भी देख रहे होंगे, आप
आपके दल की भी सरकार रही थी, बस ये बताइए कि आपने ऐसा क्या किया था जिसे बीजेपी ने बिगाड़ दिया किसानों के लिए। सच्चाई से अगर आप मुंह फेरेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा, बिल्कुल समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन ये भी तल्ख हकीकत है कि इस देश में भूख से कभी कोई नहीं मरता है। बहरहाल हम ये जानना चाहते हैं विनोद जी कि जेएमएम की भी सरकार रही थी, जेएमएम ने किसानों के लिए ऐसा क्या किया जिसे बीजेपी ने बिगाड़ दिया, उसे आगे जारी नहीं रखा? नहीं नहीं, हम बिगाड़ने की बात नहीं कर रहे हैं दीपक जी, हम ये बोल रहे हैं कि जिन योजनाओं को किसानों के लिए चलाया जाता है ईमानदारी से अगर उसको धरातल पे उतारा जाए, जो कर्ज हम सिर्फ किसानों को देते हैं वो सिर्फ ये समझ कर ना दे कि हम उसको कर्ज दे रहे हैं, उसका वो ठीक ढंग से उपयोग कर रहा है कि नहीं, अगर वो उपयोग कर रहा है तो उससे उसको लाभ है कि नहीं, इन सारे चीजों को हमको देखना होगा, अन्यथा किसान कर्ज में दबते जाएंगे और इसी तरह से आत्महत्या करते जाएंगे। तो जो भी सरकार रहती है उसको इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। अगर हमने मान लीजिए कि कोई चीजें कमी होती हमारे सरकार में रही हो तो उसको सुधारने का काम इनको करना चाहिए, और ये अगर कोई कमी बेसी इनके सरकार में रहेगी तो हम अपने समय में इसको सुधारेंगे, लेकिन सरकार को समस्याओं से मुंह नहीं फेरना चाहिए, उसको पर्दा डालने का काम नहीं करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बैठे हुए हैं बड़े भाई दीपक प्रकाश जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मौत हुई है किसान की, अब ये आत्महत्या हत्या ये अलग मामला है लेकिन मौत तो हुई है जी। अब इस पे जांच होगा, रिपोर्ट आएगा, अब इसके बाद हम लोग फिर इस पे काम करेंगे, अभी भी समय है, हम लोग किसानों के प्रति अभी भी समय है, न केवल सरकार के लिए बल्कि अगर सामाजिक स्तर पर भी आप सचेत हैं तो अभी भी समय है, इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जानी चाहिए। गौतम जी, क्या लगता है कि वाकई इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी? क्या ये जो खतरे की घंटी बजी है इसे सरकार ने सुना? नहीं, ये हेलो जी, हाँ मैं गौतम सागर राणा बोल रहा हूँ जी। जी, मैं आपके माध्यम से दीपक प्रकाश जी से यह जानना चाहता हूँ कि आरोप प्रत्यारोप आपके विचार से हो रहा है किसान के मरने पर, तो ये सरकार के तरफ से ये बताएं पांच बिंदु चार बिंदु कि किसानों के लिए उन्होंने क्या ठोस निर्णय लिया है कि आगे से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, किसान फांसी नहीं लगाएंगे, झारखंड में इसके लिए सरकार ने क्या किया है। ये कहते हैं कि सरकार संकल्पित है कि वो पूरी लिस्ट याद करके रखे हुए हैं, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। मोदी फेस्ट अभी समारोह मनाया जा रहा है केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने पर, और सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तो पूरी सूची तो दीपक जी को याद है, वो तो आपको आपने दो चार पूछा वो 20-25 गिनाएंगे। नहीं, किसानों के बारे में यदि वो गिना दें कि जो तो जिस दल के आज लागू बन कांग्रेस के जिस दल के लोग पिछलग्गू बने हुए कांग्रेस दल के, उनके इतिहास और विकास और उनके किसानों के विपरीत नीतियों के बारे में बताना चाहूंगा तो 10,000 समय लग जाएगा, 10 घंटे सुनिए। मैंने हमारी बात सुनी है, सरकार में है तो अभी सरकार की बात भी काला बाजारी नहीं हो रही है, नीम कोटेड बीज मिल रहा है कि नहीं गौतम सागर राणा जी? आज कोई पूंजीपति व्यापारी उद्योगपति उस बीज को लेकर कोई काला बाजारी नहीं कर रहा, क्यों? कि वो नीम कोटेड बीज है, वो सरकार ने दिया है। आज काला बाजारी नहीं हुआ, आपके शासन काल में बीज के सवाल पर लाठी चार्ज होता था, बीज के सवाल पर गोली चलता था, और आप और हम शर्मसार होते थे किसानों की हालत को देखकर। आज उनके फसल बीमा योजना ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, हमारी सरकार की देन है, इसको भी मैं बताना चाहता हूँ। किसानों के बारे में अगर आप बात करने पाए, मैं दीपक जी से कहूंगा तो एक स्पेशल रिपोर्ट बनाइए, डिस्पोजल आप हमको समय दीजिए और इन लोगों के साथ बैठाने का काम कीजिए, मैं बताऊंगा ये भारतीय जनता पार्टी। ये खास समय दिया गया है, लेकिन दीपक जी शायद अभी जो परिस्थितियां बनी है उसे आप ठीक से आकलन नहीं कर पा रहे हैं। कहीं आपने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि किसानों ने हमारी सरकार बनाई है, तो ऐसा ना हो कि जिन किसानों ने बोया है ये सरकार, इस सरकार की जड़ें वही किसान काट देंगे। देखिए दीपक जी, आकस्मिक मौत किसी का हो, किसान का हो, मजदूर का हो, नौजवान का हो, छात्र का हो, वो उसकी पीड़ा को हम समझते हैं, उसके प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन उसके लाश पर हम राजनीति नहीं करते हैं जैसा विपक्षी राजनीति के दल लोग कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आकस्मिक मौत किसी का हो, गंभीर आरोप, एक एक छोटी प्रतिक्रियाएं जरूर लेंगे हम अपने और मेहमानों से, हमारे पास वक्त कम है। विनोद पांडे जी, किसान की लाश पर सियासत हो रही है झारखंड में,
नहीं नहीं, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने करनी पर पर्दा डालने का काम कर रही है, विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा, विपक्ष उस परिवार के साथ में खड़ा है और उस परिवार के प्रति हमारी सब संवेदना है। अब उनके यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है, दो प्याज और आधा किलो चावल उनके घर में उपलब्ध था, आज हम लोग गए हैं बालदेव महतो जी के यहाँ, लेकिन इनके विधायक क्या, इनके जब विधायक ने ये पूछा कि आपने 5,000 रुपया क्या क्या, वहाँ ग्रामीणों ने उनका विरोध किया, उनको वहां से भागना पड़ा, आज वहां सांसद भी गए थे, सांसद ने ये कहा कि किसान ने आत्महत्या की है, डीसी और एसपी ने गलत रिपोर्ट पेश किया है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल। और एक आरोप ये भी है, इस पर गौतम सागर जी की प्रतिक्रिया चाहेंगे कि समूचा विपक्ष एकजुट होकर आंदोलन के नाम पर माहौल और बिगाड़ने की कोशिश करेगा। गौतम जी, नहीं माहौल क्यों बिगाड़ेगा, विपक्ष का काम है सशक्त भूमिका निभाना, सरकार की कमजोरियों को उजागर करना। विपक्ष का एकदम स्पष्ट है कि ये सरकार बड़े इजारेदार कंपनियों के लिए काम कर रही है, किसानों का हित इनके लिए सबसे लास्ट एजेंडा है और किसानों के हित में काम नहीं हो रहा है। दीपक प्रकाश जी बोलते हैं हमारा कमिटमेंट है, हम देखेंगे, लेकिन ये पूरा देश जानता है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान सड़क पर हैं और झारखंड में भी बिल्कुल। बस देश को अब ये जानना है कि तमाम सरकारें क्या कर रही है किसानों के लिए जो मरने को मजबूर हैं। फिलहाल वक्त हमारे पास नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम सागर राणा जी, विनोद पांडे जी, दीपक प्रकाश जी, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुजीत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप न्यूज इंडिया .nimsunai पर हमें लाइक कर सकते हैं।